और कल रात को एक स्कैम हो गया मेरे साथ। मतलब मैं निकला तो बच्चों का मन कर रहा है फिश को फीड कराने का, तो मिशी का फीड कराने वाली है फिश। वेरी नाइस। तो मिशू कर रही है, मिशू कैसे लग रहा है? मॉडल लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम फ्रॉम हनोई वियतनाम अगेन। मैं दोबारा आया इस बार फैमिली के साथ, और मेरे को थोड़ा सा अच्छे से प्लान करना था कि फैमिली के साथ मैं यहाँ पे कैसे घूमूँ, क्या करूँ, फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें क्या हैं, तो वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ 4-5 दिन से। और आज मैं हनोई में हूँ, तो घर पे लोग सो रहे हैं अभी। मैं ज़रा फोटोग्राफी करने आया था बाहर, 2-4 फोटो खींचने आया था बढ़िया से। और प्लान थोड़ा बच्चों को ओरिएंटेड बनाया मैंने, जैसे जो चीज़ें पहले करी थी मैंने हनोई में वो नहीं करूँगा, और जो लोकेशन है वो भी रिपीट नहीं करने वाला हूँ मैं। मतलब पहले मैं डानांग गया था, हो ची मिन गया था, इस बार मैं जाऊँगा दालात, और मैं इस बार जाऊँगा नातरांग, इस बार मैं जाऊँगा फूकोक आइलैंड। तो लोकेशन सारी चेंज है, बस हनोई और हालोंग मैंने सेम कर लिया। जस्ट थिंग कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ें हैं मतलब करने की। हनोई तो चलो ठीक है, बट हालोंग मस्ट डू था, तो इसलिए मैंने किया। बस अभी निकला थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह करने। और कल रात को एक स्कैम हो गया मेरे साथ। मतलब मैं निकला वहाँ से एयरपोर्ट से, तो लास्ट टाइम ग्रैब इजीली मिल गई थी, ग्रैब मिली नहीं इस बार। और ग्रैब नहीं मिली तो पंगा क्या हुआ कि लोकल टैक्सी वाले ने पकड़ा मुझे कि भाई चलोगे? मैंने बोला हाँ चलोगे, कहता हाँ चलेंगे। तो उसने बताया नहीं, कहता मीटर से चलूँगा। अब मुझे लगा यार यहाँ पे अब तक तो किसी ने कोई स्कैम किया नहीं है, तो शायद नहीं होगा, और हुआ ये। और उसके बाद जो बंदे ने स्कैम किया, मतलब टोटल, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से बताऊँ तो 1200 रुपये लगते थे। मतलब अगर जो ग्रैब ले रही थी 1200-1300 ले लेती, इस बंदे ने बिल बनाया 2400 रुपये का, 7.5 लाख टोंग। मैंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं दूंगा तेरे को मैं, तो कुछ भी कर ले। तो फिर उसके बाद नेगोशिएट करने लगा वो, नेगोशिएट करके भाई करते 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 2000 रुपये लिए उसने मुझसे, और आई गॉट स्कैम्ड। मैंने कहा यार बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब उस केस में मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास सिम नहीं थी, और मैं पहुंचा एयरपोर्ट पे तो सिम है नहीं, अब क्या करो। तो आपको फैमिली जब साथ में होती है तो जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आप वेट नहीं करा सकते बच्चों को, वाइफ को। तो ठीक है दे दिए उस टाइम तो, बट आप लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी था कि मेरे पास एक ऑप्शन था होटल्स, होटल वाले भी 3.5 लाख डोंग में दे रहे थे मुझे टैक्सी, बट मैंने नहीं कराई। मुझे लगा था ग्रैब मिल जाएगी, और मैं उतरा रात को 2 बजे, मतलब रात को 2 बजे बाहर आया था एयरपोर्ट से, तो उस टाइम कोई कैब नहीं मिलती। एक चीज़ अच्छी मिल गई कि मेरे को यहाँ पे आके सिम नहीं खरीदनी पड़ी। मैं होटल पे गया, मैंने क्लुक से एक ई सिम एक्टिवेट करी, ना कोई फिजिकल सिम डाली, और वो ई सिम एक्टिवेट हो गई, मतलब 4G सिम है 10 दिन के लिए, कुछ 650 रुपये की, 670 रुपये की। मतलब मेरे को लगता है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं यहाँ वीडियो में डाल दूँगा, वो आप देख लेना। चलो आगे चलते हैं, आगे की जर्नी आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे चाइनीज़ न्यू ईयर अराउंड, तो देखो चाइनीज़ न्यू ईयर पे यहाँ का नज़ारा देख लो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत सही नज़ारा रखा यार, मज़ा ही आ गया देख के। रात के टाइम तो और अमेजिंग लगता होगा। अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, मैंने यहाँ पे होटल बुक किया एगोडा के थ्रू, और बहुत ही बड़े बड़े रूम्स थे, स्पेशियस रूम्स, और मुझे लगा यार वट अ स्टील, आई मीन 2800-3000 रुपये में पूरी फैमिली रूम मिल गया विद ब्रेकफास्ट, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने 3 लोगों ने लिया था, दोस्तों ने, उस टाइम दोस्तों के साथ आया था, वो कुछ 4000 का पड़ा था, और बहुत स्पेशियस रूम था और काफ़ी अच्छा था वो। आई डोंट नो सीज़न का टाइम है क्या, बहुत ही महंगा पड़ा, बहुत छोटा रूम, स्टार्ट होते ही ख़त्म। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं नो डाउट, बट रूम का साइज़ बहुत ही छोटा। मैंने रात को उससे बोला, कह रहा है आप कोई भी रूम ले लो इस वाली कैटेगरी में, हमारे पास सब सेम ही है, हमारे पास जो साइज़ है ना वो सेम ही मिलेगा, आप कुछ भी कर लो चाहे। मैंने कहा चल ठीक है भाई जो है दे। अब तो जस्ट सेइंग कि एक बार जब आओ तो एक बार रूम का साइज़ स्क्वायर मीटर में देख के आओ कितना बड़ा है, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर दो बट फैमिली को हसल ना हो। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैंने छोटा रूम ले लिया, बट आगे के रूम्स मेरे अच्छे हैं तो मैं देख लिया उसके बाद, तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। वियतनाम के लिए ई वीज़ा आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, पर उसके लिए एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखना, तो उसको आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। हनोई में घूमने के लिए मैंने मोस्टली जो है वो ग्रैब का यूज़ किया, ग्रैब ऐप अपने यहाँ से डाल के गया OTP वैलिडेट करके, और वहाँ जाके मैंने बस कैब बुक कराई और कैश पे बुक किया उसको। इसके अलावा आप स्कूटी भी बुक कर सकते हैं, या उसके अलावा आप और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और इकोनॉमी जाना चाहते हैं, बट फैमिली के साथ मुझे सही लगा कि ग्रैब ही यूज़ करता हूँ। करेंसी के लिए मैंने न्यू ग्लोबल के क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया,
इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको कुछ अलग से फिजिकल करेंसी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाउएवर मैं लेके गया था अपने साथ $300-$400 ताकि मैं सिक्योरिटी के लिए अपने ले जा सकूँ। बट मोस्टली मैंने इसी कार्ड का यूज़ किया विड्रॉ करने के लिए। इसमें जो रेट टू रेट है आपको करेंसी आपको मिल जाती है आपकी वहाँ पे। और इसके अलावा एक बैंक जो है वो एक ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो आपसे चार्ज करता है। मोस्टली यही रहता है इसका, बट काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। तो ये विन मेगा मॉल, विन सिटी, विन कॉम मेगा मॉल टाइम सिटी कर गया। और यहाँ पे ना पूरा इन्होंने मतलब सोसाइटीज़ पूरा, सामने स्कूल भी है, देखो पूरा एरिया बसा रखा है। ये स्कूल है, ये पूरी सोसाइटी है, ये नीचे पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये सामने मॉल है और इसी के अंदर एक्वेरियम है जाके। मतलब मेरे को नहीं पता था मॉल के अंदर, उसने मॉल पे छोड़ दिया, मैंने कहाँ लेके आ गए। फिर मैंने किसे पूछा, कहते इसके अंदर ही जाके आपका। और आजकल चल रहा है चाइनीज़ न्यू ईयर, तो ये लोग तो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये आ गया अपना एक्वेरियम। अब यहाँ चलेंगे और मस्ती करेंगे यार, बहुत ही सही बनाया हुआ है। बच्चों के लिए तो यार पैराडाइज है ये, तो यहाँ बच्चों के साथ आए तो बहुत ज़रूर आओ मैं तो कहूँगा। मैं एक हनोई को एक्सप्लोर कर चुका हूँ पहले, अब ये वाला हनोई एक्सप्लोर करना है बच्चों के साथ वाला, तो देखते हैं टिकट्स कितने की है सबसे पहले। तो दोस्तों एंट्री कर लिया और बहुत ही ब्यूटीफुल फील आ रही है। मतलब एक अभी ये चल रहा है वीकेंड, तो वीकेंड पे अडल्ट की टिकट है करीब 852 रुपये की और जो बच्चे की टिकट है वो 625 रुपये की है। तो क्लुक पे भी उतने की मिल रही थी तो मैंने यहाँ काउंटर से ही ले ली, एक ही बात है। और ये देखो सामने कितनी बड़ी फिश है यार, कितनी बड़ी फिश है ये देखो। तो बच्चों का मन कर रहा है फिश को फीड कराने का, तो मिशिका फीड कराने वाली है फिश इसको। लो मिशिका खोलो इसको, खोलो खोलो, हाँ ऐसे ही खोलना, हाँ वेरी गुड। एक ही करके, एक ही करके थ्रो थ्रो, वो देखो गई वहाँ पर, वहाँ पे थ्रो करो बीच में, वो सारी आ गई। और थ्रो करो, और थ्रो करो, देखो सारी आ गई यहाँ पे। और थ्रो करो, ओ वाह, लव मेरे को दिखाना एक बार, देखना मुझे कैसे भीड़ लगती है ये। जगह ना थोड़ी डार्क डार्क कर रखी है और अंदर खाली एक्वेरियम्स को चमका रखे ताकि वो अंदर से अलग से दिखें। तो हमारी तो हमारा चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, मेनली फिश ही नज़र आ रही है सबसे आगे। सर बहुत ही सही है यार, ये तो बिल्कुल एकदम जागरूक बैठा हुआ है एकदम। एक ये वाला है और एक ये ऊपर भी घूम रहे हैं, ये राम मुंडी का। देखो 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 स्नेक बैठा है, स्नेक स्नेक स्नेक, ओए कौन है वो। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये एक्वेरियम है जगह मस्ट डू है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, दे रियली गोना एंजॉय इट। सो इसको तो ट्राई करना बहुत ही मस्ट है बेसिकली। और हाँ, लाइफ में मैंने पेंगुइन पहली बार देखा था और बच्चों ने ही पहली बार देखा था, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को। भाई साहब ये देखो, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे ना यहाँ पे सब कुछ है, KFC है इधर, इधर कोई नया ब्रांड है लुटेरिया, पिज्ज़ास की बहुत हब्स हैं, बट मेरे को खाना वही फेमस बानवी। एक मैंने शॉप ढूंढी है, वहाँ की कैब करेंगे, वहाँ जाकर ट्राई करेंगे, मिलता है कि नहीं। अगर बहुत भीड़ होगी, पता नहीं, होनी तो नहीं चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। मुझे क्या खाएगी तू, क्या खाना है आपको, बगर खाना है? तो पहले मुझे अगले बगर एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक फेमस लोकल पॉइंट है बानवी फोक, यहाँ पे हम बानवी ट्राई करने आए हैं। तो नाइस टू मीट, रेस्ट दिस इज द पॉइंट एक्चुअली। आई मीन मेरे को नहीं पता वियतनामी में क्या लिखा है, बट ये पॉइंट हमें मिला गूगल पे और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो हमने कहा यहाँ से ट्राई करते हैं। फाइंडिंग हैविंग टू, कैसा लग रहा था आती? अच्छा एक और बनाओ, टेस्टी। दिस जस्ट लाइक आई मीन कितना है ये, 100 रुपीज़ और बहुत ही टेस्टी है। चीयर्स।
आपने बानवी चिकन विद चीज़ ट्राई किया, आप चाहें तो वेजीज के साथ या फिर सिर्फ एग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सो मिशो और स्वाति में क्लैश ये हो गया कि स्वाति को जाना था हाईएस्ट स्काई स्क्रेपर देखने और मिशो करना था बस शॉपिंग टूर। तो मिशो हम क्या कर रहे हैं अभी? बस शॉपिंग टूर। वेरी गुड, मज़ा आएगा आपको, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? हाँ चलो फिर ये वाला करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला टूर तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, पर इनको मज़ा आ रहा है इनके इस वाली ट्रिप में, तो मैं इसलिए ले आया यहाँ पे। बाकी यार हनोई में काफ़ी कुछ है और भी करने को, मतलब बहुत कुछ है आप एक्सप्लोर करना चाहो तो, बट अब थोड़ा सा बस सावधान रहो, सतर्क रहो। रीज़न बींग आई मॉल में गया, फिर से एक ड्राइवर आ गया, कहता है भैया चल सकते हैं जहाँ जाना है आपको। मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा ले तू, रात को पहले फटका लगाए जो बंदे ने फटका मारा है, उल्टे उल्टे पैसे बता के मीटर से चलेंगे और फिर इतने पैसे ले लिए। अब तो मैं ग्रैब ही कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले साल में आया था हनोई और उससे अब काफ़ी महंगा हो चुका है हनोई, मैं सच बताऊँ आपको वियतनाम। रीज़न बींग कैब भी महंगी हो रही है, मुझे लगता है चाइनीज़ न्यू ईयर पे आया हूँ, सब कुछ महंगा है बहुत। जैसे कि मैंने बानवी भी ट्राई किया, अच्छी जगह से बानवी ट्राई किया तो 35,000 डोंग के आसपास था, मतलब नहीं तो जब मैंने लास्ट टाइम खाया था वो 20,000 डोंग का था, वो भी ऐसी जगह से खाया था, पता नहीं थोड़ा सा फ़र्क आ गया, मतलब एक साल के अंदर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चेंज हो गया वियतनाम। वैसे इस ट्रिप का मेरे मेन चार्म जो है वो हनोई नहीं था, हनोई हमने स्टार्ट करना था, एक दिन रेस्ट भी करना था तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। कल से हालोंग बे है, हालोंग बे भी मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट करवाया है। डिफरेंट क्या करवाया, पिछली बार जो था हमने नाइट क्रूज़ किया था दोस्तों के साथ, तो वो एक इसमें कई कई एरियाज़ होते हैं जहाँ जहाँ पे लेके जाती है वो क्रूज़ आपको, जैसे कि एक रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 5 करके 5 रूट हैं। तो एक नया रूट है लाना बे, वो वहाँ पे ले गया था वो क्रूज़। अब जो मैंने किया वो इन डे वाला किया, वो रूट 2 है जहाँ पे टिप टॉप आइलैंड और ये 2-3 आइलैंड्स पे लेके जाएगा और पॉइंट्स पर रुकेगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा एडवेंचरस होगा। वो मैंने इन अ डे वाला किया तो कुछ नया करने के लिए बेसिकली, और उसके अलावा सारी सिटीज़ करूँगा, यानी कि दालाज जा रहा हूँ, नाथरांग जा रहा हूँ, हो ची मिन्ह से फिर फुकोक जा रहा हूँ, सारी नई सिटीज़ हैं। दैट इज़ वाई माई मेन रीज़न वॉज टू कवर वियतनाम अगेन। अब ये है कि अगर मैं 9-10 दिन के लिए आ पाता हूँ मैं, तो 9-10 दिन में आप पूरा वियतनाम कभी भी कवर नहीं कर सकते। दैट इज़ अ रीज़न आई केम अगेन, मेरे को वो जगह भी देखनी थी एक बार, और इन लोगों का भी थोड़ा मतलब, तो मैं तो थोड़ा ये सोच के आया था कि थोड़ा इकोनॉमिकल है, बट इकोनॉमिकल तो नहीं है बिल्कुल भी। बट हाँ अगर आप कंपेयर करोगे थोड़ी महंगी कंट्री से, सिंगापुर गया था वो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है ही है एनी डे, बट या ठीक है यार, मतलब अच्छा है, मज़ा आ रहा है, इन लोगों को भी मज़ा आ रहा है। ये मस्ट ट्राई रिक्शा राइड है जो मिशू कर रही है। मिशू कैसे लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है तो बहुत अच्छी है यार मिशू, तो बहुत अच्छी है बेटा, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं मेरे को तो। करीब रात को 8 से 9 हम गए वाटर पपेट शो देखने। हमें इससे पहले वाला शो चाहिए था, वो टिकट नहीं मिल पाई, तो आपको टिकट थोड़े पहले एडवांस में बुक करानी पड़ेगी इसकी, और मोस्टली हमेशा ही थिएटर फुली रहता है। सो इसमें एक स्टोरी नरेट करते हैं पपेट्स के थ्रू, तो आप वैसे आप समझ जाओगे, होगी वियतनामीज़ में बट आप समझ जाओगे, बट आप गाइड भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो, बट मेरे को नहीं लगा इतना रिक्वायर्ड है। दिन का लास्ट पॉइंट था हमारा नाइट मार्केट, और नाइट मार्केट से हम गए बियर स्ट्रीट कुछ खाने, रात को डिनर करके फिर हमें सुबह हालोंग बे के लिए निकलना था, तो वहीं पे हमारी जर्नी ख़त्म हुई। बस दोस्तों आज का जो वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा हालोंग बे में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये इन अ डे वाला ट्रिप हमारा कैसा रहा। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आशा आपका दिन शुभ हो, बाय।